अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इस वक्त आपके सामने एक अदद डोर क्लोज़र है जो ज़मीन के अंदर लगता है। इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये नहायत ही ज़बरदस्त चीज़ रहती है, बस इसको एक चीज़ का ख्याल रखा करें, इसको पानी वगैरह इन चीज़ों से बचा के रखें। वैसे तो बहुत अच्छा चलता है दरवाज़े के अंदर। अभी हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं, ये आउट हो गया है, हम पेचकस से बिठा रहे थे, नहीं अब हम हथौड़ी से इसकी सेटिंग करेंगे। पहले कोशिश करते हैं पेचकस से बिठाएं, इसकी सेटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और लगाते हुए क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, टेक्नीशियन हैं, हमें पता है कि हमें किस तरीके से सेटिंग करनी है। देखें ये देखें, ज़रा ज़रा कचरा आ जाता है, तो हम इसकी सेटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नहायत अच्छी चीज़ है, ये देखें, ये ज़मीन से हम उठा रहे हैं। ये जो दो नट हैं ये साइटों पे लगे होते हैं, इसकी मदद से हम इसको जैसे जैसे टाइट करते रहते हैं ये ज़मीन से उठता रहता है। ये लोहे के डोम के अंदर लगता है, नहायत अच्छी चीज़ है। इसकी सेटिंग देख रहे हैं, जंग वगैरह आ गया तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये देखें, ये पुराना है जो हम लोगों ने निकाल दिया है डोर क्लोज़र, ये ज़मीन के अंदर लगता है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। ये देखें, ये हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसको ठोक रहे हैं, एहतियात से ठोक रहे हैं, प्रोफेशनल है, हमें पता है कि किस तरीके से इसको लगाया जाता है। और नहायत अच्छे तरीके से हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं, अगर गलत चोट मारेंगे तो टूट जाएगा। और ये है देखें, हम इसकी सेटिंग इसकी तरीके से बिठा रहे हैं इसको। अभी हम ये इसकी प्लेट बिठा रहे हैं, प्लेट बिठाने के बाद अभी हम दरवाज़ा का चेक करेंगे कि दरवाज़ा कैसे लगेगा। ये देखें, ये इसका फ्रेम होता है, देख ये दरवाज़ा बिठा रहे हैं, दरवाज़ा नहीं बैठ रहा। अभी हम दरवाज़े को टर्न करेंगे, उल्टा करके दरवाज़े को चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। एक लोहे की शॉफ्ट होती है, पट्टी होती है, भीड़ की, पीतल की, स्टील की, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो इस वक्त है ये पीतल की लगी हुई है। ये देखें, ये रिंग, इस पे जाके ये बैठता है, ये ना इस पे बैठता है, सही है। दरवाज़ा शीशे का, दरवाजे पे ज़्यादातर आपने देखा होगा डोर क्लोज़र ऊपर की तरफ नहीं नज़र आते, फिर भी दरवाज़ा बंद होता है, वो बेसिकली दरवाजे के नीचे डोर क्लोज़र लगाया होता है जिस तरफ पे कब्ज़े होते हैं इसके। ये रहा, ये डोर क्लोज़र है, ज़मीन में फिट कर दिया जाता है इसको, उसके ऊपर इसको पट्टी लगा दी जाती है। ये देखें, ये रहा, हमने फिट कर दिया दरवाज़ा। अभी हम इसके एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दो अदद इसमें स्क्रू होते हैं, एक जल्दी खुलने का आराम से खुले और एक आराम से बंद हो, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कभी भी आप डोर क्लोज़र लें, हमेशा उसमें दो अदद स्क्रू होते हैं जिसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये देखें, अब हम दूसरे को टाइट कर रहे हैं, अब ये आराम आराम से आके बंद हो रहा है। ये देखें, ठीक है, अब हम अंदर की तरफ खोलेंगे, दोनों तरफ चलता है दरवाज़ा। जो दूसरा डोर क्लोज़र होता है वो एक ही साइड पे काम करता है, ये डोर क्लोज़र दोनों तरफ काम करता है, अंदर भी दरवाज़ा खुलेगा, बाहर भी खुलेगा, तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये इसकी सेटिंग है, ये हम इसकी प्लेट लगाएंगे, प्लेट लगाते नहायत एहतियात से लगाएंगे। कभी भी आप डोर क्लोज़र इस तरीके से देखें, हमेशा उसका डोर क्लोज़र ज़मीन के अंदर लगता है, ये होता है डोर क्लोज़र। अभी हम इसको स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे, कोशिश करते हैं सफाई से काम करें और जेन्युइन वीडियो आपको दिखाएं, किसी किस्म की ऑडिटिंग और कोई फ़िल्टर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, और कोशिश करते हैं हम ना भी करें आगे भी चल के, तो ओरिजिनल वीडियो है, किसी किस्म की हमने एडिटिंग नहीं की हुई। देखिए, एक एक करके हम सब स्क्रू को, चारों को स्क्रू को टाइट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा, ये कि अल्लाह हाफिज़।